अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, चंदन तेरा नाम रहेगा, चंदन तेरा नाम रहेगा, अमर रहे। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री व बागेश्वर के विधायक चंदन राम दास की पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि हो गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, सौरभ बगुणा, रेखा आर्या, प्रेमचंद अग्रवाल, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, विधायक सुरेश गढ़िया, विशन सिंह चुफाल, दीवान सिंह बिष्ट, भोपाल राम टमटा, प्रमोद नैनवाल, वंशीधर भगत, जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव, जिलाधिकारी अनुराधा पाल, पुलिस अधीक्षक हिमांशु वर्मा सहित बड़ी संख्या में लोगों ने चंदन राम दास को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। शहर के जिस भी स्थान से चंदन राम दास की शव यात्रा गुजरी, छतों में खड़े लोगों ने पुष्प चढ़ाकर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। चिता को उनके पुत्रगण गौरव और भास्कर दास ने मुखाग्नि दी। उनके निधन पर यहां विभिन्न संगठनों सहित अन्य राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने भी गहरा दुख और शोक व्यक्त किया है। और चंदन रामदास जी जो हैं, उनके साथ मुझे 5 साल विधानसभा में, पिछली विधानसभा में काम करने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला था। इस बार भी मंत्री के रूप में, उन सहयोगी मंत्री के रूप में उनके साथ मैंने काम किया। और जो चिंता उनकी उत्तराखंड के लिए रही है, पर्वतीय राज्यों के लिए रही, पर्वतीय हमारे क्षेत्रों के लिए रही, पलायन के लिए रही, रोजगार के लिए रही, मुझे लगता है बहुत बड़ी क्षति है हमारे उत्तराखंड के लिए। एक ऐसा नेता जो जमीन से जुड़ा हुआ था, जो जिसको पब्लिक आप देख सकते हैं कितना प्यार था लोगों का, कितनी भीड़ यहाँ उमड़ के आई है। और मैं सिर्फ इतना ही भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूँ, अपने श्री चरणों में जगह दें और असीम दुख सहने की परिवार को। उनका मेरा बहुत लंबे समय से परिचय था, वो बीजेपी में नहीं थे तब भी मेरे लिए वैसे ही थे, और जब मैं 2007 में बीजेपी लाया और तीसरे दिन ही मैंने उनको टिकट दिया, वो MLA बने, आज वो मंत्री बने। या इसलिए मैं सोचता हूँ कि जैसे माँ को दुख होता है अपने बेटे के जाने पर, ऐसे मुझे भी है, क्योंकि वो बहुत ही, मुझे तो ऐसा लगता था हमारे सारे विधायकों के वो चंदन थे, काम बहुत अच्छा जानते थे और काम लेना जानते थे और स्वभाव से मृदु थे। उनके जाने से एक अपूर्णीय क्षति हुई है। मुझे लगता है कि हम सब लोग उनकी शांति की प्रार्थना करें और निश्चित रूप से हम लोग कोशिश करेंगे कि उनकी याद में आगे और अच्छे काम। एक सौम्य उनका व्यवहार, उनका नेचर, और जिस भी कार्य के लिए कार्यकर्ताओं द्वारा विषय आते थे उनको यथासमय उसका समाधान निकालना एक अपूर्णीय क्षति है। और मैं कह सकता हूँ कि ऐसा कार्यकर्ता दुर्लभ से ही मिल पाते हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनके अपने चरणों में स्थान दें और परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। अधूरे सपनों को किस तरह से बीजेपी साकार करने का प्रयास, जो भी विषय रहते हैं, वैसे तो वो जनता के साथ हमेशा जुड़े रहे, हर विषय उनके साथ ध्यान में आता था, वो सरकार के बात उन्होंने कराया है। और मैं कह सकता हूँ कि भविष्य में जो भी ऐसे विषय आएंगे तो निश्चित रूप से उनके सम्मान में जो भी हो सकता है हम सब करने का प्रयास करेंगे। देखिए, एक मित्र के नाते, एक सहयोगी के नाते, जिन्होंने उत्तराखंड राज्य बनने के साथ इस प्रदेश की राजनीति में 2 कदम साथ रखे, बाद में वो दूसरी जगह गए, विधायक यहाँ से बने, राज्य में एक बहुत महत्वपूर्ण पदों में समाज के कमजोर वर्गों के का समाज कल्याण विभाग हो, ट्रांसपोर्ट हो, उसका नेतृत्व किया, तो एक किस्म से बागेश्वर जनपद के लिए नहीं है, राज्य के लिए क्षति है। और हमारे लिए तो, मेरे लिए तो इसलिए भी एक व्यक्ति का सही कि हम सहयोगी रहे, एक ही संगठन में हम साथ साथ भी रहे। मैं अनुसूचित जाति का प्रदेश अध्यक्ष था, वो मेरे साथ प्रदेश महासचिव रहे, तो साथ साथ चलना, विपरीत दिशाओं में भी चलना, लेकिन हमेशा एक मानवीय सहयोग, मानवीय परस्पर मित्रता वो रही। आज उनके जाने से मैं खुद अपने आप को भी बहुत ही महसूस कर रहा हूँ कि एक बहुत ही अहम साथी का
हमारे बीच माप नहीं रहेगा, लेकिन राज्य को सबसे बड़ी क्षति है कि जो लोग साधारण पृष्ठभूमि से उठ करके राज्य के नेतृत्व में गए, अभी कभी उम्र भी ऐसी नहीं थी कि चले जाते, लेकिन जो विधान है ईश्वर का उसके आगे सब नतमस्तक है। देखिए, एक अभिभावक के रूप में उन सब उनका हम सभी युवाओं के प्रति एक स्नेह लगाव रहा है। बागेश्वर ही नहीं, पूरा प्रदेश देवभूमि उत्तराखंड उनको आज याद करती है, नमन करती है। ये हमारे लिए अपूर्णीय क्षति है जिसको बहुत जल्द हम सभी लोग भर भी नहीं पाएंगे, और हमेशा उनकी यादें, उनकी बातें, उनके मूल्य, उनके विचार हम सभी के मध्य जीवित रहेंगे। कहने के लिए तो वैसे कोई शब्द ही नहीं है। बहुत ही अपने आप में एक अचंभित करने वाली घटना है। हम लोग 25 तारीख को एक ही मंच पे एक ही साथ थे। हमारे मध्य में बड़ा अच्छा संवाद भी हुआ। उनके स्वास्थ्य के बारे में मैंने जानकारी भी ली। उनकी आवाज़ की खनक और उनके चेहरे की चमक से कहीं नहीं लग रहा था कि अगले दिन हम ऐसी कोई खबर भी सुनेंगे। सुनकर पूरा प्रदेश जो है स्तब्ध है, भरोसा ही नहीं कर पा रहा है कि हमें ये दुखद समाचार जो है प्राप्त होगा। चंद्रराम दास जी कई बार के विधायक, बहुत ही वरिष्ठ जनों में, और पार्टी ने उनकी इसी सेवा को देखते हुए उनको कैबिनेट मिनिस्टर भी बनाया, सम्मान भी दिया, लेकिन स्वास्थ्य शायद उनका साथ नहीं दे पाया, या ईश्वर की ऐसी मर्जी रही होगी, नियति को शायद ऐसे ही मंजूर रहा होगा। देखने योग्य बात यह भी है कि वो जिला योजना पिथौरागढ़ की बैठक करके अल्मोड़ा के कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए बागेश्वर में उन्होंने मुझसे कहा कि मैं 2 दिन बहन जी वहाँ पर रुकूँगा, अपने कार्यकर्ताओं से संवाद करूँगा और बागनाथ के मंदिर का दर्शन करूँगा। अपनी इस कर्मस्थली में ही उनका अंतिम क्षणों की जो सांसें हैं उन्होंने यहीं पर ली, और माँ सरयू के श्री चरणों में आज उन्होंने अपने जीवन को समाप्त किया। निश्चित रूप से बहुत सरल व्यक्तित्व के धनी और बहुत ही विजनकारी हमारे चंद्रराम दास जी रहे, और ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि इस दुख की घड़ी में उनके परिजनों को इस दुख से लड़ने की जो है शक्ति दे, और माँ सरयू और बाबा बागनाथ उनको अपने श्री चरणों में जगह दे। ये हम सब लोगों के लिए आज बहुत दुखद दिन है, और उनकी अंतिम यात्रा में हम सब लोग शामिल हो रहे हैं। उनका जाना बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। वो सहज थे, सरल थे और हमेशा जिंदा दिल थे, और चाहे शारीरिक रूप से कितना भी कष्ट हुआ उनको, उन्होंने कभी उसको जो है अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। कई बार मैं मुख्यमंत्री के नाते उनको हमेशा कहता था कि आप आराम करिए, आप जो है ज़्यादा भाग दौड़ मत करिए, वीडियो कॉन्फ्रेंस से आप जो है जिलों की जो समीक्षाएँ हैं वो कर लीजिए। लेकिन उसके बावजूद भी वो पिथौरागढ़ भी गए, बीच में पौड़ी भी गए, अन्य कार्यक्रमों में, और 2 दिन पहले ही हम लोग सब लोग अल्मोड़ा में एकत्र थे, और ऐसा लगता नहीं था कि इतनी जल्दी हमारे बीच से चले जाएंगे। हमेशा उन्होंने गरीबों के लिए काम किया, समाज के जो अंतिम छोर में खड़े हुए जो लोग हैं उन सब के लिए लगातार, वो विधानसभा में जब विधायक के रूप में थे तो तब भी हम साथ में थे, तो लगातार बागेश्वर समेत पूरे उत्तराखंड की आवाज़ को उठाते थे, अनुसूचित वर्ग की बात उठाते थे, पिछड़ों की बात उठाते थे, गरीबों की, मजदूरों की, और जहाँ तक लोग सोचते नहीं थे उन सब बातों की चर्चा करते थे। और उनका जाना जहाँ राज्य के लिए बहुत बड़ी क्षति है, हमारी पार्टी के लिए भी क्षति है, और व्यक्तिगत रूप से मेरा जो उनके साथ एक बहुत ही स्नेहपूर्ण कई दशकों का जो संबंध था उसके नाते व्यक्तिगत रूप से भी मुझे बहुत क्षति हुई है, बहुत आघात लगा है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको श्री चरणों में स्थान दे, और उनके पारिवारिक जनों को, उनके चाहने वालों को, आज जो यहाँ पर हजारों हजार की संख्या में उनके सब शुभचिंतक आए हैं, चाहने वाले हैं, उन सबको इस दुख की घड़ी को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति। सर, एज़ कैबिनेट मिनिस्टर धाम को हरिद्वार की तर्ज पर विकसित किया जाए, क्या इच्छा को पूरा किया जाएगा? निश्चित रूप से जो भी उनके सपने थे, जो भी उनके संकल्प थे, उन सभी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। सब लेफ्ट। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और 4 बार के बागेश्वर के विधायक चंद्रराम दास आज पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। भारी भीड़ उनके
उनकी इस अंतिम यात्रा में शामिल हुई। बागेश्वर का आसपास के गांव के लोग चारों ओर से हजारों की संख्या की भीड़ में उनका अंतिम संस्कार किया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित तमाम प्रदेश के मंत्रीगण और आसपास के जिलों के विधायक भी इस पूरे उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए हैं। और मुख्यमंत्री ने भी खुद आकर ये कहा है कि चंद्रनाम दास के जो सपने थे, बागेश्वर का विकास जो है हरिद्वार की तर्ज पर करना था, यहाँ का विकास जो करना था, उनके सपनों को भारतीय जनता पार्टी सहित प्रदेश की सरकार उसको पूर्ण करेगी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सबको हंसाने वाला, अपने मजाकिया और चुटीले अंदाज से सबको हंसाने वाला एक व्यक्ति, एक राजनेता, बागेश्वर के चार बार के विधायक आज सबको रुलाकर इस पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। शमशान घाट बागेश्वर से CCN न्यूज़ के लिए मैं सुरेश पांडे। Yeah, no.